जी गाइस, तो मैं रेडी हो गया हूँ आज के दिन की एक्टिविटी के लिए। आज हम जा रहे हैं हाफ डे स्नॉर्कलिंग के लिए। हमें बुला लिया था 9:30 पे, थोड़े से हम 5 मिनट लेट हैं, तो आपको दिखाएंगे कि स्नॉर्कलिंग कैसे होती है मालदीव। I am all ready for the snorkeling today. अजीब एलियन लग रहा हूँ। ये तो मुझे पता ही नहीं कैसे यूज़ करते हैं। ये तो मेरे चेहरे पे अभी से भाप आ गई। ओह, बहुत टाइट है। और ये येलो जैकेट मिली है ना, वो मुझे मैचिंग की मिली है, मेरे साइज की है नहीं कोई। जी गाइस, फाइनली हमें कॉल कर दी है हमारे गाइड ने। वो कह रहा है कि आ जाएं आप लोग स्नॉर्कलिंग के लिए, सब चीज़ें रेडी हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हाफ डे टूर के अंदर। इसके अंदर लंच और सैंडबैंक है, अंडर वाटर फोटोग्राफी है, लंच भी होगा और स्नॉर्कलिंग भी होगी। अब हम वहाँ जाके आपको बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं। नहीं कि स्कूटी बड़ी मज़े की है यार, ये पाकिस्तान में भी होनी चाहिए स्कूटी ऐसी। माफूशी आइलैंड से स्नॉर्कलिंग स्पॉट 1 तक हम अपनी स्पीड बोट में तकरीबन 20 से 25 मिनट के दरमियान पहुंच गए। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं अपनी स्नॉर्कलिंग वाली जगह पे। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी स्नॉर्कलिंग अभी कर रहे हैं और मैं भी बस अभी जाने वाला हूँ। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। चढ़ना है वाली, आपने वीडियो मेरी देखी होगी क्या हुआ था मेरे साथ। अब मालदीव पे देखते हैं क्या होता है। Thank you.
रहे हैं यहाँ पे लंच। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है एक्चुअल में सैंडबैंक, एक छोटा सा आइलैंड टाइप होता है समंदर के बीच के अंदर। और यहाँ पर अभी मैं आपको पीछे दिखाऊँ तो काफ़ी सारी बोट्स हैं जो आ चुकी हैं हमारी बोट के साथ साथ, और ये डिफरेंट होटल्स की जो हैं वो बोट्स हैं। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, मेजॉरिटी पैकेजेस के अंदर ये होता है, मैं थोड़ा चलते चलते आपको बताऊँ। यहाँ पे होता ये है कि सैंड बैंक पे जितनी भी सर्विसेज हैं, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा, डाइव विद टर्टल, रीफ, ये सब बाद में आपको यहाँ पे लंच कराती हैं। तो हम भी यहाँ पे एज़ यूजुअल अरीना होटल की तरफ से लंच के लिए बैठे हैं। लंच करके थोड़ी देर यहाँ रोम अराउंड करेंगे और उसके बाद वापस इस बोट में अपनी एक्टिविटी का पूछेंगे क्या सीन है। अब पैरा सेलिंग और जेट स्की और कैटामेरन राइड समथिंग कुछ होता है, मुझे पता नहीं, गूगल करना पड़ेगा, तो वो भी अभी बाकी है। तो स्टे ट्यून, अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई कैन टेल यू ईच एंड एवरी स्मॉल डिटेल्स कि आप मालदीव कैसे आ सकते हैं। तो सी यू गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बेला चाओ। सैंड बैंक से वापस माफूशी आइलैंड आते हुए हमने डॉल्फिन्स भी देखी। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।